जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं जमात की गणित की किताब का पाठ 5वां वर्ग अते वर्गमूल अभ्यास नंबर 5.1 ते इहदे अगले दो सवाल 13वां 14वां इस वीडियो असी करांगे। तुसी वीडियो नूं बड़े ध्यान नाल देखो, सुनो ते समझो ते हल अपनी नोटबुक विच उतार लो, पर मगरों दी सवालां नूं अपने आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। सो शुरू करिए। इसी चैनल दे उत्ते प्यारे विद्यार्थियों 8वीं जमात दीआं होर प्लेलिस्टां भी हन, सो उन्होंने जाके तुम वो वीडियोज़ भी देखो। एक हैगी 8th इंग्लिश, जिसे इंग्लिश की किताब माई इंग्लिश कंपेनियन के लैसनस हल करके पाए गए हैं। एक हैगी 8th ग्रैमर, जिसे इंग्लिश ग्रैमर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज हल करके पाया गया। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की 8th साइंस जी इंग्लिश मीडियम में नोट्स और क्वेश्चन आंसर हल करके पाए गए हैं, सो तुम वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। सो आओ करिए आने वाले सवाल। 13वां सवाल बच्चों, हेठां दित्तियां संख्यावां विच जिन्हों का इकाई अंक 5 है उन्होंने वर्ग पता करो। प्यारे विद्यार्थियों, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट हो रही है मैथ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, वो मैं वर्ग दियाँ बहुत सारिया ट्रिक्स जड़िया ने शॉर्टकट ने दसे हुए हैं। सो तुम वो जल्द मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स देखोगे वो सूँ बड़िया कमाल दीडियोज़ देखने को मिलनगियाँ। वर्ग किमें करिए, गुणा किमें करिए, जोड़े छोटे तरीके ने जबानी तुम किस तरह गुणा कर सकते हो, जबानी किस तरह वर्ग कर सकते हो, उत्थे तुहानू देखने को मिलेगा। तो तुम उस समा कढ़ के वह वीडियो भी देखियो। सो बच्चों देखो, सारे ने इकाई एक 5 हैगा, ए 45 है, 75 है, 5 है, 95, 125 है इतने, तो 205 है। हुण बच्चों 205 नाल गुणा करन की लोड़ नहीं, 125 नाल 125 नाल गुणा करन की लोड़ नहीं, जिहड़े ए ने बच्चों जवानी ही हो जाएंगे, ठीक है ना। सो जे तुसीं अभ्यास करो तो यह भी जवानी कर लोगे। ऐ मैं स्कूलों च जाके बच्चों नूं दसदा भी हुन्ना, तो वो बच्चे उसी वेले 10 मिनट ही सीख जाते हैं। सो बड़ा सौखा तरीका है यदा, यह जो नुकता है यह नोट कर लो कि जिहड़ी संख्या का इकाई अंक 5 हो, जिहड़ी संख्या का इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग हेठ लिखे मुताबक हुंदा है। ये जिहड़ी है उहदी दहाई या सैकड़े वाली संख्या हैगी है 5 तों 9। इहदा मतलब की हैगा कि ए लैना है, ए वाली संख्या लैनी है, तो वह अगेत्र लेना है ए जमा एक, उस एक जोड़ देना है संख्या में, तो दोनों गुणा कर देना, तो नाल सिफर 2 ला लेनी है जबानी दिमाग में ही, तो फिर जमा 25 जोड़ देना है, ठीक है। हुण यह देखो, यह 45 है ना बच्चों, तो यानी कि 4 नूं 5 नाल गुणा करना है, तो 4 तो अगली संख्या 5 है, तो 4500 हो गया, 4 5 सॉरी 4 5 20, तो 20 100, तो 5 5 25। सो जल्द तो 25 है तो सीधा 20 125 लिख सकते हैं, मतलब अखीर जिहड़ा है जिहड़ा सिफर है ना बच्चे 2 सिफर, इहदी जगह ते 25 उदां ही आ जाणा। सो इह बन जाएगा 4 5 20, ते 5 5 25, ते 20 125 जवाब आ गया, ठीक है। फिर हैगा 75, 7 7 अगली संख्या हैगी 8, सो 7 2 8 56, 5600 हो गया। सो इत्थे 56 ते 5 5 25, ते 25 आ गया, 5625 जवाब आ गया। फिर आ गया 95, 9 तो अगली संख्या 10, सो 9 गुणा 10 90, सो 9025 आ गया जवाब। 12 12 तो अगली संख्या 13, 12 गुणा 13 होंगे 156, सो 156 लिखिया तो अगे 25 लिख दिता, तो जो 2 सिफर से 25 की थान लगन गए, ठीक है। फिर आ गया 205, हुण बच्चों 20 तो अगली संख्या 21, एक सिफर तो हैगा ही है वाला, ठीक है, 21 गुणा 42 कि 420, सो 420 तो अगे आ गया 25। लो जी हो गया। यह सारे बच्चे जिथे इकाई अंक 5 हो, तो उन्होंने वर्ग करना बड़ा ही सौखा हो जाता है, ठीक है। आओ अगे देखिए, अगला सवाल भी बड़ा मजेदार है बच्चों। हेठ लिखिया विच्चों केड़े पाइथागोरियन त्रिगुट हैं, ठीक है, 4 भाग ने, सो देखना है किदा पता लगेगा। यह सिद्धांत का उपर लिखे इनू तुसी नोट कर लवो, तो चंगी तरह कंठ कर लवो कि असी जानते हाँ कि जेकर दित्तियां 3 संख्यावां दित्तियां हुई ने, कोई दित्तियां 3 संख्यावां विच वड्डी संख्या का वर्ग, वड्डी लै लो इस जिदा 3 4 5 5 वड्डी है, इस 10 वड्डी है, इस 17 वड्डी है, इस 19 वड्डी, वड्डी संख्या का वर्ग बाकी 2 संख्यावां दे वर्ग दे जोड़ दे बराबर होवे तां संख्यावां पाइथागोरियन त्रिकुट बनाउंदियां हन। बस ए जिहड़ा कथन है बच्चो, इहनू चंगी तरह रट्टा ला लो, कंठ कर लो, ठीक है। हुण आओ देखो करदे हां, 3 दा वर्ग 9, 4 दा वर्ग 16, ते 5 दा वर्ग 25, तो फिर लिखना असी देखते हाँ कि 25 बराबर 9 जमा 16, ठीक बनता 16 जमा 9 25 होंगे। सो 25 कितों आया, 5 का वर्ग है, 9 कितों आया, 3 का वर्ग, तो 16 कितों आया, 4 का वर्ग, भाव यह हो गया
सो बच्चों हैरान कि वड्डी संख्या का वर्ग बाकी दो संख्या के वर्गों के जोड़ के बराबर है। इस तरह तीन चार पाँच एक पाइथागोरियन गुट है, त्रिगुट है। ठीक है, अगे चलिए। हुण अगला देखिए, अगला है छे अठ और दस। उही सिद्धांत है बच्चे, छे का वर्ग 36, अठ का वर्ग 64, दस का वर्ग 100। ठीक है, फिर देखना है, असं देखते हैं कि 100 बराबर 36 जमा 64, 36 जमा 64 100 होंगे। सो 100 कितों, 100 का मतलब है 10 का वर्ग, 36 का मतलब है 6 का वर्ग, 64 का मतलब है 8 का वर्ग। यह मतलब यह होया कि एक संख्या वड्डी संख्या का वर्ग बाकी दो संख्यावां दे वर्गों के जोड़ के बराबर हैगा। इस तरह 6, 8, 10 एक पाइथागोरियन त्रिगुट है। त्रिगुट तिकड़ी, तिकड़ी भी कह सकते, त्रिगुट भी कह सकते हैं, अर्थात तीन संख्यावां दा गुट, तीन संख्यावां दा समूह। इहनूं इह कहिंदे ने, जे इह शर्त पूरी हुंदी होवे ते उह तीन संख्यावां नूं असीं पाइथागोरियन त्रिगुट कहिंदे हाँ। ठीक है, अगे चलिए। अगले हुण अगे वच दो एवें इकट्ठे लै लैने, वह गल हुण दो बार दोहरा दित्ती, दोबारा दोहराने की लोड़ नहीं हैगी। हुण आ गया बच्चों 8, 15 ते 17। ठीक है, 8 का वर्ग है 64, फिर आ गया 15 का वर्ग है 225। देखो है एक है ना, एक तो अगला की आ गया 2, एक गुणा 2 2, तो 5 का 25, सो 225 जवानी हो जाता है। 17 का 299। ठीक है, हुण असीं देखते हैं कि 299 जिहड़ा हैगा वह 64 जमा 225 के बराबर है। इहदा भाव की होया कि 299 17 वर्ग, 64 8 वर्ग, तो 225 15 वर्ग। सो यह तीन संख्या दित्तियां सी सानूं, 17 18 मतलब 8 15 ते 17। सो वड्डी संख्या का वर्ग जिहड़ा है बच्चे वह बाकी दो संख्यावां दे वर्गां दे बराबर हैगा। ठीक है, इस तरह 8 15 17 एक पाइथागोरियन त्रिगुट है। पर बच्चों इदा हमेशा नहीं हुंदा, यह हाल तक असीं तीन भाग कीते ने, तीनों संख्यावां जिहड़ियां ने वह पाइथागोरियन त्रिगुट हो निबड़ियां हन, पर बच्चों इदा नहीं हुंदा हमेशा। देखो हुण इस करके उन्हें चौथा भाग जान के वाला पाया ताकि तुम्हें अगल समझ आ जाए। यह देखो हम इतने है सू संख्या दिखाई 13, 17 ते 19। ठीक है, सो 13 का वर्ग होंगे 169, 17 का वर्ग 299 ते 19 का वर्ग बचो 361। बचो मैं समझदा कि तुम्हें एक तो लैके 25 तक के वर्ग जोड़े ने वो जवानी याद होने चाहिए ने, तो यदि जुगती मैं वो मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स में दसी हुई है कि एक तो 25 तक तुम वर्ग जवानी किवें याद कर सकते हो। सो तुसी वो वीडियो जरूर देखियो तो इन्हों कंठ कर लियो, क्योंकि जे तुसी थां थां ते 19 ना 19 गुणा किया, फिर 18 ना 18 गुणा किया, इस तुहाडा समा बहुत जाया जाएगा, तो फिर असीं कहोंगे पेपर लंबा सीगा। पेपर लंबा नहीं हुंदा, असल विच सानू एक तो 25 तक वर्ग सारे चंगी तरह कंठ होने चाहिए ने, और यह चीज़ तुहाडी अगे कंपीटिशन के पेपर च भी कम आएगी। ठीक है, हुण असीं देखते हाँ कि 361 बराबर नहीं हैगा, हल तक असीं बराबर करते आए हैं 169 जमा 299 के बराबर नहीं है, देख लो करके देख लो, सीधा यही अंक देख लो 9 और 9 18 बनता है, इतने एक हैगा अखीर च, सो यह बनता ही नहीं बच्चों। सो यह बराबर नहीं है, भाव 19 का वर्ग जोड़ा है वह 13 के वर्ग और 17 के वर्ग के जोड़ों के बराबर नहीं है। ठीक है, सो इस तरह 13, 17, 19 एक पाइथागोरियन त्रिकुट नहीं है। सो चार भाग दते सी, तीन तो पाइथागोरियन त्रिकुट निकलिया है, एक पाइथागोरियन त्रिकुट नहीं है। तो बच्चों यह ढंग होंगे चैक कर कि तीन संख्यावान पाइथागोरियन त्रिकुट बनांदियां हन या नहीं बनांदियां। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडे अखीरले लास्ट टू सवाल, मतलब कि अगले दो सवाल होर बचे ने, शायद 15 सवाल, यह 13 और 14 सेगा, 13 ते 14 सवाल, ते तुसी इसी तरह नेम नाल उत्साह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई रब राखा। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।